फ्रेंड्स नमस्कार, मैं कुमार चंद्र, आपके अपने चैनल पर क्रिकेट सीख के में हार्दिक स्वागत है। दोस्त आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं, क्रिकेट में करियर कैसे बनाएं, ये आज का टॉपिक है। तो दोस्त ये टॉपिक ये भी है और इसमें थोड़ा मोटिवेशन भी है, क्योंकि दोस्त क्या होता है क्रिकेट में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिमोरलाइज हो जाता है प्लेयर, डिमोरलाइज हो जाते हैं। दोस्त ये वीडियो मैं 1-2 महीने बाद बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्त मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा मैच चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट का मैच चल रहा था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि दोस्त साथ में आपको मैनेजर होते हैं, कोच होते हैं और बहुत सारे प्लेयर होते हैं लड़के, तो उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं ये वीडियो 2 महीने बाद लाया हूँ। तो ठीक है दोस्त, और दोस्त ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्त क्या होता है सब्सक्राइब करने से जो भी मैं आपके लिए नया वीडियो लूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होगा। तो ठीक है दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। दोस्त देखो, यदि आप क्रिकेट को करियर के रूप में खेलना चाहते हो, करियर के में देखना चाहते हो, सेटल करना चाहते हो लाइफ क्रिकेट में, तो आपको सब चीज़ त्यागना होगा, बुराई को त्यागना होगा, अच्छाई को अपनाना होगा। और आपने सुना है दोस्त कि यदि जो भी इंसान कोई चीज़ ठान लेता है उसको पूरा कर लेता है, वो इंसान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ बनाया है तो इंसान ही बनाया है, तो दोस्त मुझसे क्यों नहीं होगा, अगर मैं चाह गया कि ये करना है तो फिर करना है। और दोस्त आपको पता है कि क्रिकेट टफ है, मतलब पढ़ाई से भी टफ है, क्रिकेट ऐसा है कि पढ़ाई से ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आप चाह गए तो कुछ नहीं, आपको पता ही होगा। तो दोस्त यदि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, इसमें लाइफ सेट करना चाहते हो, तो दोस्त आप एकेडमी डेली जाओ। एकेडमी डेली जाने से ये होता है कि आपको, अगर मान के चलो आप एकेडमी 10 दिन गए, ठीक है, और 11वां दिन आप एकेडमी नहीं गए, तो आपको क्या होता है कि जो 11वां दिन प्रैक्टिस में क्या हुआ आपको पता नहीं होता है, आप एक दिन पीछे हो गए। आप ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, आप एक दिन पीछे हो गए, और मैं बता रहा हूँ कि पूरा इंडिया में डेली प्रैक्टिस सब जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब लाखों लोग होंगे जो प्रैक्टिस जा रहे हैं, और आप उनमें से एक हो, उस दिन आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो आप वो लाखों लोगों जो लाख लोग जा रहे हैं, आप एक दिन तो पीछे हो गए ना, तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं आगे खेल पाऊँगा। ये ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, लाख लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं गया तो लाख लोगों से मैं पीछे आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है, और लाखों लोग प्रैक्टिस तो करते हैं तो क्या लाखों लोग खेल लेंगे, लाख लोग प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, बहुत सारे लाख से भी ज़्यादा हैं, तो मैं क्या प्रैक्टिस सब करें तो क्या सारे थोड़े ना खेलेंगे, इंडिया के लिए तो कोई 11 प्लेयर ही खेलेगा, 15 में से कोई 11 प्लेयर ही खेलेगा, डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहते हो तो 15 में से कोई 11 खेलेगा, स्टेट खेलना चाहते हो तो 15 में से कोई 11 खेलेगा, IPL खेलना चाहते हो तो 15 में से कोई 11 खेलेगा। तो मैं आपसे मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीरियस प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने में आपको पार्टनर की जरूरी बहुत है, क्योंकि दोस्त जो गलती आप करोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, आपको तो लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, आपका जो अगला पार्टनर है उसको पता चलेगा कि आप क्या गलती करो और वो क्या गलती कर रहा है, वो आपको पता चलेगा, तो वो आपको बताएगा, आप उसको बताओगे। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो सीरियस करो, क्योंकि दोस्त क्या होता है कि एकेडमी बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो इंजॉय के लिए खेलना चाहते हैं, जो बस एकेडमी गए और घर गए उसके बाद मस्ती वस्ती बस ऐसे ही, सीरियस नहीं है क्रिकेट को लेकर, सीरियस नहीं है। यदि आप क्रिकेट को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, तो आप क्रिकेट में सीरियस होना चाहते हैं तो आप एकेडमी में देखो कि कोई ऐसा बंदा तो होगा जिसमें क्रिकेट को लेकर जुनून होगा, जुनून पागल होना बहुत जरूरी है, पागलपन अगर क्रिकेट में पागलपन नहीं हुए तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। अब आपको पता ही होगा कि क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में कठिनाई बहुत है, क्रिकेट में इतना कठिनाई है कि आप जब खेल रहे हो तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप क्रिकेट खेल रहे हो उसमें लाइफ को आपको सेटल करना है क्रिकेट में, तो आपको एक बंदा को ऐसा चूज करना होगा जो आपको हेल्प करे और जुनून हो, तो आप लोग दोनों को बनेगा, नहीं तो एक इंजॉय के लिए खेल रहा है और एक करियर के लिए खेल रहा है और दोनों पार्टनर हो गए, तो ना वो कुछ कर पाएगा, वो तो आपको पता नहीं इंजॉय के लिए खेलो तो कुछ करेगा ही नहीं, आपको भी लेट डूबेगा, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ एक बात और, आपको प्रैक्टिस खुद खुद करना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमी मान के चलो संडे सैटरडे कुछ ऐसे बंद होंगे तो आप तो उस दिन 2 दिन तो पीछे हो गए, तो आपको क्या करना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा। घर पर क्या करो कि टर्फ अगर नहीं बना पाओगे तो टर्फ थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप सीमेंटेड बनवा लो, मैं भी सीमेंटेड बनाया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, सीमेंटेड बनवा लो, बॉलर हो बैट्समैन हो, आप एक बंदे को पकड़ लो, गाँव का एक बंदे को पकड़ लो और उसको हाफ से बॉल कराओ, 22 यार्ड होता है ना, तो उसको क्या बोलो कि 6 यार्ड या 6 यार्ड या 7 यार्ड से बॉल फेंकाओ, पुल ड्राइव जो भी आपका वीक है, वीक जोन जो भी है उस पर आप बॉल उसको बोलो फेंकते रहो और वो आपको सही करो, क्योंकि दोस्त क्या होता है सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आगे खेलना है तो, क्योंकि एकेडमी आप जा रहे हो, एकेडमी में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो सब नहीं खेल पाएंगे, खेलेंगे तो कुछ उसमें से अच्छे प्लेयर ही खेलेंगे, तो एकेडमी जाओ,
और घर आ जाओ, नहीं एकेडमी जाओ घर भी करो, जो एकेडमी में बताया गया जिसे आप पढ़ते हो तो जो बताया जाता है ट्यूशन कोचिंग में, आप घर पे उसको रिवाइज करते हो ना कि हाँ यार ये आज बताएगा, तो जो आपको कोच वहाँ बता रहे हैं एकेडमी में आपको घर पे वो करना बहुत ही जरूरी है, नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। मान के चलो कि पाँच लड़के आपके साथ हैं, पाँच लड़के आपके साथ हैं तो पाँच लड़के एकेडमी में जो बताया गया वो घर पर कर रहे हैं, और आप हैं पाँच में से आप एक हैं, तो आप वो घर पर नहीं कर रहे हैं, तो चार लोग क्या हुए आपसे आगे हो गए, एक लोग आप क्या हुए आप पीछे हो गए। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो में क्रिकेट के साथ मोटिवेशन लाया हूँ, क्योंकि तो मोटिवेशन अगर आप नहीं थोड़ा समझोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हाँ आपको पता हो कि इंसान जो चीज़ ठान लिया वो चीज़ पूरा कर लेता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एकदम ठान लो, सब चीज़ त्याग दो, जो आपको बोल रहा है कि यार क्या है हिम्मत करो ये सब फालतू की चीज़ें, तो उसको जवाब देने के लिए आपको एक करना होगा, आपको एक पढ़ना होगा, आपको करना होगा, आपको मोटिवेशन वीडियो देखने होंगे, जो जो स्ट्रगल करके प्लेयर बने उनका वीडियो देखना होगा, उनका हिस्ट्री देखना होगा कि कैसे क्या किए तो आगे बढ़े, तो आप आगे बढ़ोगे। और दोस्त बात रही एक और की, जैसे देखो आप एकेडमी जाते हो, एकेडमी जाते हो तो आपका जो मैच मिलता है मैच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, फ्रेंडली मैच, जो आपको मैं डिस्ट्रिक्ट उस्टी का भी कोई मैच नहीं बताना चाहूँ, बस फ्रेंडली मैच क्लब का मैच बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्त क्लब का मैच में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आप आगे जाओगे, अब परफॉर्मेंस नहीं होगा तो आप पीछे होगे। तो परफॉर्मेंस कब होगा, जब आप खुद का प्रैक्टिस करोगे, क्लब का प्रैक्टिस तो सब करते हैं, सब क्लब का प्रैक्टिस करेंगे और आप घर पे प्रैक्टिस करो और क्लब के प्रैक्टिस करो, तो आप क्या हो क्लब के लड़कों से आप आगे हो, क्लब में जितने लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आप आगे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस मैच में करोगे ही करोगे। इसलिए मैं आप लोग के हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर सेटल क्रिकेट में करना है लाइफ तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्त कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो क्रिकेट से रिलेटेड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से खेलना ईजी है, कौन सा क्लब अच्छा है, कौन सा स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा है जहाँ से मैं आगे निकलूँ, तो आप बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अगर चाहो तो मोबाइल नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, आप पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्त मैं एक प्लेयर हूँ, मैं प्लेयर की भावनाओं को समझता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी आगे खेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत बुराई का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, विनम्र है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। ठीक है दोस्त, नमस्कार।